या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शॉट बहुत बढ़िया शॉट, तुम्हारे जैसा स्टंटमैन फिल्म इंडस्ट्री में मिलना तो मुहाल है, यानी के मुश्किल है। तुम अपनी गाड़ी जबान बंद करो और मुझे आज के काम का पैसा दे। क्या करके पैसे दे। पैसे का इंतजाम तो हो नहीं सका आज। सुन लीजिए जनाब, देख कलीम, मैं बहुत कड़की में हूँ और मेरी जेब में फूटी कौड़ी तक नहीं है। भाई मेरे जेब में जितने पैसे, इससे ना तेरा भला हो सकता है और ना मेरा भला हो सकता है। एक बात है, आइडिया ब्लॉइंट, शो ठहरो। क्यों? असली पत्ते दिखाओ। क्या बोलता है यहाँ? बहुत ही बेहुदा और बदतमीज किस्म की जबान का इस्तेमाल कर रहे हैं। काम की बात करो। जबान के इस्तेमाल के बजाय इन्हें इनकी असलियत बता दीजिए तो बेहतर है। अब ही लीजिए। मॉल पर से हाथ हटाओ, मॉल मेरा है। माफ कीजिएगा लेकिन आपकी अदाकारी बहुत ही तिफलाना यानी के बचकाना अंदाज लिए हुए है। बेअदबी की माफी चाहता हूँ लेकिन आप बहुत ही बेअदब किस्म के बेईमान इंसान है। ए, किस्मत आजमाने वालों, जरा मुलाहिज़ा फरमाइए, इस किवाड़ खाने की यानी चूहे खाने की हकीकत, ऐसे लोगों को सजा मिलनी ही चाहिए। अबे नकली बाल वाले, we'll be right back।
Stop it! मैं शमशीर चट्टोपाध्याय तुम्हारी हिम्मत बहादुरी और जवां मर्दी की दाद देता हूं। वाह 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 वाह, क्या खूबसूरत इस्तेमाल है जबान का। मगर मियां, दाद का मतलब खुजली भी हो सकता है। हमारे धंधे में धोखा देना, बेईमानी करना गुनाह है। ये तुम्हारी सच्ची कमाई है, तुम इसके हकदार हो। फॉलो मी। मिस्टर विजय, विजय कुमार मल्होत्रा, सिर्फ नाम ही नहीं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूं। छोटी मोटी एड फिल्मों में काम करते हो, जान पे खेलते हो, और बदले में मिलता क्या है? दो वक्त की सूखी रोटी, और वो भी मुश्किल से। व्हाई डोंट यू ज्वाइन मी? मुझे गैर कानूनी अपराधियों की जिंदगी मंजूर नहीं। जो मुझे जमीन फरोशी सिखाए, कौम से गद्दारी सिखाए। जिन चीजों की कीमत बाजार में एक खोटा सिक्का भी ना हो, उन्हें बचाकर रखने से क्या फायदा? फेंक दो इन वहमी ख्यालों को दूर, अपने से बहुत दूर, और चले आओ मेरे पास। जल्दी इस गरीबी की दुनिया से निकलकर शरीफ यानी मालदार लोगों में शामिल हो जाओगे। मैं जरूरतमंद जरूर हूं, गुर्बत और परेशानियों में जकड़ा हुआ, मगर लालच में आकर आपको अपनी मजबूरियों का नाजायज फायदा कभी नहीं उठाने दूंगा। सोच लो। सोच लिया। अब मुझे मेरी जीती हुई रकम वापस कर दीजिए। ये रुपए मेरे पास तुम्हारी अमानत है। जब कभी तुम शमशीर चट्टोपाध्याय के साथ काम करने का फैसला कर लो, तो अपनी जिंदगी की पहली गैर कानूनी कमाई आकर ले जाना। मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। अरे बड़ी वाह, तुमने तो कमाल कर दिया यार। क्या डिशूम डिशूम किया, अरे मजा आ गया। तेरा तो जवाब ही नहीं है यार। बड़ी राम जेठ मलानी, हिदायतकार यानी निर्देशक यानी डायरेक्टर हम हैं। तारीफ के कुलाबे मिलाना या बुराई के पुल पारना, यह हमारा काम है, आपका नहीं। अरे बड़ी, तुम्हारा मतलब क्या है? फिनेंसर तो हम है नहीं, हमारे माल के दम से तो यह शूटिंग हो रही है। ठीक है, ठीक है, चलो विजय अगले शॉट की तैयारी करते हैं। छुट्टी गल है। अरे ये तो अपना कलीम है। अरे आंटी साहबा, इस उजड़े दयार में आप कहां से आबला पाई पे उतर आई? देख तू मुझसे सीधी सीधी जुबान में बात किया कर। माफी चाहता हूँ, मेरा मतलब आप यहाँ कैसे तशरीफ लाई और इतनी ढेर सारी लड़कियाँ? क्या मैं इतना शोहरत याफ्ता यानी मेरा मतलब मशहूर हो गया? ऐसी कोई बात नहीं है, तुम जहाँ थे वही हो। बीच में मत बोला कर, समझे? मैं डायरेक्टर कलीम अमरोही हूँ। अरे ये छोकरा ठीक ही कह रहा है, ये रेनू की सहेलियाँ हैं, बाहर से घूमने फिरने आई थी, मैं इन्हें घुमा रही हूँ। अच्छा अच्छा, यानी आंटी यहाँ कैसे? तुम लोगों को देख के जिद करने लगी, शूटिंग देखेंगे, आना पड़ा, क्या करें? बहुत अच्छा। चलो आंटी, हम तो समझे थे किसी बड़ी फिल्म की शूटिंग हो रही है, मगर यहाँ तो। चलो ना आंटी। चलो चलो आला यार,
रोटी रोजी के चक्कर में पड़कर एहसास ही नहीं हुआ कि इश्क भी एक जरूरी चीज है। आपके लिए प्यार का तोहफा लाया हूँ, आप इसे कबूल कर लीजिए तो मैं समझूंगा कि आपने मुझे कबूल कर लिया। आपको अपनी नहीं तो मेरी इज्जत का तो ख्याल रखना चाहिए। इसलिए तो पीछे के दरवाजे से आया हूँ, अगली बार आगे के दरवाजे से आऊंगा। देखिए मिस्टर, वही तो कर रहा हूँ, और आपके सिवा किसी को देखने की इच्छा भी नहीं है। अगर आप अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मुझे सख्त कदम उठाना पड़ेगा। देखिए सख्त कदम उठाने से पहले एक नजर मेरी तरफ देख लीजिए, यकीन दिलाता हूँ आपको मुझसे प्यार हो जाएगा। छूत की बीमारी है ना, आपको भी लग जाएगी। इससे पहले कि मैं नौकरों को बुलाकर आपको इस घर से निकलने पर मजबूर करूं, आप खुद ही तशरीफ ले जाइए। सुनिए, अरे कहां से चले आते हैं? मेरा प्यार ठुकरा दिया आपने ये। अरे तुम तो आओगी, बहुत जल्द आओगी, हाथ जोड़ती हुई माफी मांगती हुई। हमको माफ कर दो, हमसे भूल हो गई, मैं तुम्हारे पैर पकड़ती हूँ। विजय, अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई थी। हम दूसरे खेत उगा लेंगे विजय, अपने प्यार की मेहनत और गर्मी से, और चिड़ियों को उन तक पहुंचने भी नहीं देंगे। हा? नहीं रेनू, तुमने बहुत देर कर दी, बहुत देर कर दिया आते आते। प्यार की जिंदगी बहुत कम होती है, इन हसीन लम्हों को यूं बर्बाद मत करो विजय। आओ इन खूबसूरत वादियों में खो जाएं। भूल जाओ रेनू, अब मेरे टूटे हुए दिल में तुम्हारे प्यार का बीज कभी पनप नहीं सकता। तुम मुझे माफ नहीं करोगे? तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे? जो तुमने मुझे दिया है लौटा रहा हूं। ठीक है, ये मुर्दा शरीर उठाए उठाए फिरने से क्या फायदा? तुम्हारी याद सीने से लगाए हमेशा हमेशा के लिए दुनिया त्याग देती हूँ। अलविदा, अलविदा मेरे बेवफा आशिक, अलविदा।
देखा, ढूंढ निकाला ना, डरता कहीं लेट ना हो जाऊं। आपको शर्म है या नहीं? जी है तो, मगर अपनों से शर्माना क्या, वरना मोहब्बत कैसे बढ़ेगी हम दोनों की? किसने कह दिया कि मैं आपसे मोहब्बत करना चाहती हूँ? गुस्सा मत कीजिए, किसी दूसरे ने नहीं, मेरे दिल ने बड़े चुपके से कहा है मुझसे, किसी दूसरे को मालूम भी नहीं। माना कि मोहब्बत का छुपाना है मोहब्बत, जाने से पहले पता ठिकाना तो देती जाइए, ताकि शादी तक प्रेम पत्र का आदान प्रदान होता रहे। तुम अपने पागलपन का इलाज क्यों नहीं करवा लेते? आखिर कोई तो इलाज होगा। जी हाँ है, हमारा मिलन। हमारा मिलन कभी नहीं हो सकता, क्योंकि तुम मेरे लायक नहीं हो। रेनो, चलो जल्दी करो, वक्त बहुत कम है। मेरी विंडो की सीट लिए ना। वाओ। सॉरी। चल राइट। हेलो, कोई लड़की उड़की का चक्कर था क्या? आप था तो, मगर लड़की दौलत के साथ बह गई, उसका साथी कुछ ज्यादा ही दौलतमंद लग रहा था। बहुत दुखी नजर आते हैं आप, कहिए तो आपके दिल का बोझ थोड़ा कम कर दूं? जी कम इतनी। कम। अच्छा जी, तो जनाब मुझे पैसे की गुड़िया समझते हैं, जब पैसे मिलते हैं सीधे यहीं चले आते हैं। नहीं कम नहीं, तुमने मेरा टूटा हुआ दिल जोड़ा है, मुझे तुमसे प्यार है, और प्यार ना जाने क्या क्या देना चाहता है, अपनी पसंद की साड़ियां, अपनी पसंद की चूड़ियां, अपनी गाड़ी, अपना रहन सहन, अपना अपना पागलपन। चलो शॉपिंग के लिए चलते हैं। वो साड़ी दिखाइए। ये सिर्फ 1000 की है, ठीक रहेगी ना विजय? ये तो बहुत अच्छी है, अगर तुम्हें पसंद आए तो ले लो, लेकिन मुझे ये बहुत अच्छी लगी, और है भी 500 रुपए की, लेकिन ये भी अच्छी है, और तुम जो भी पहन लेती हो खिल जाता है। थैंक्स, इसे पैक कर दीजिए। वजह क्या है माँ की बीमारी की? सोच सोच कर माँ घुलती रहती है, तुम्हारा क्या होगा? अरे मैं कोई निकम्मा बेकार थोड़ी हूँ, काम की तलाश करता हूँ, कभी कभी काम भी कर लेता हूँ। बात को इस तरह मजाक में उड़ा देने से मुश्किलें आसान हो जाएंगी क्या? माँ की तबीयत ज्यादा खराब है आशा। हाँ, घबराओ नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा भैया, ये दवाइयां ले आओ। जाओ और माँ की दवा का इंतजाम करो। नहीं आशा, ये माँ का अरमान है, यही तो एक आखिरी निशानी है तुम्हारी शादी में देने के लिए, तुम इन्हें रख लो, मैं किसी भी तरह पैसों का इंतजाम कर लूंगा। भैया इन्हें ले जाओ, शायद अचानक ज्यादा पैसों की जरूरत पड़े, अगर माँ की तबीयत न संभली तो अस्पताल ले जाना पड़ेगा। फिकर मत कर, मैं बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा। घबराओ नहीं माँ, डॉक्टर साहब कह रहे थे तुम्हारा इलाज बहुत अच्छी तरह हो रहा है, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। मेरा डॉक्टर तो तू है बेटा, बता तेरी दुल्हन कब आएगी? ये दुल्हन की बात कहाँ से आ गई माँ? अरे उसी लड़की की बात कर रही हूँ जिसके साथ तू घूमता फिरता है, शादी के सपने बुनता रहता है। विजय मुझे भी दिखा दे बेटा। हाँ भैया, ले आओ ना भाभी को।
कॉमनी मैम साहब, वो तो स्टेज से कहीं चला गया। इट्स ब्यूटिफुल। वो अलग बांध के रखा था जो माल अच्छा है। आई लव यू माई ओल्ड बॉय, आई लव यू, आई हेट यू, आई किल यू। अरे भेड़ा, मिस्टर विजय, किसी के बेडरूम में दाखिल होने से पहले परमिशन की जरूरत होती है, समझे आप? यू जंगली बास्टर, तुमने मुझ पे हाथ उठाया? तेरी औकात क्या है? आई से यू गेट आउट। यू बिच, जिस्म फरोश, मुझसे इतना बड़ा धोखा क्यों किया? बोल, क्या है उसमें जो मुझ में नहीं है? उसके पास बंगला है और तुम एक मामूली मकान में रहते हो। उसके पास कारें हैं और तुम बसों में घूमते फिरते हो। उसके पास नौकर चाकर है और तुम अपने हाथों से अपने घर का काम खुद करते हो। उसके पास लाखों का कारोबार है और तुम काम की तलाश में अपना इकलौता सूट पहने इकलौते जूते को घिसते फिरते हो। और सबसे अहम बात तो ये है विजय कि तुम ना तजुर्बेकार इंसान हो और वो तजुर्बेकार आदमी है, समझे तुम? तू तो फिल्म का वो उर्रियां इश्तेहार है जिसे देखकर कोई भी अपनी आंखें सेक सकता है। ये तो एक तोहफा है, हसीन जिस्म की एक खूबी। मैं तुझे अपना समझ बैठा था, टूटे हुए दिल का सहारा। मैं तुझे सपनों में अपनी दुल्हन बना बैठा था। मेरी बीमार मां तुझे बहू के रूप में देखना चाहती थी, मेरी भोली भाली बहन अपनी भाभी से मिलना चाहती थी, लेकिन तेरे नापाक हुस्न और जिस्म को घर की नहीं बाजारी दुकानों के शोरूम की जरूरत है, जहां मोहब्बत नहीं सिक्कों की छंकार से सौदा होता है। तू इतनी जलील निकली कामिनी कि तुझे गाली देना भी गाली की तौहीन है। विजय, अपनी जबान को लगाम दो, अपनी हैसियत पहचानो। एक साड़ी दिलाने में पसीने छूट जाते हैं, कल आना और अपनी खून पसीने की कमाई ले जाना। तुम तूने एक गरीब इंसान को फंसाकर उसके जज्बात से खेला है और ये जिल्लत मैं कभी नहीं भूलूंगा। बहू आ जाती, उसके हाथ में तेरा हाथ दे देती, निश्चिंत हो जाती। अब मां की तबीयत कैसी है? ठीक नहीं है। तुम भाभी को लेने गए थे? आशा, भगवान कुछ लोगों को इसलिए पैदा करता है ताकि दूसरे देखें और सबक हासिल करें। उन्हीं में से हम लोग हैं जो चांदी का चम्मच मुंह में लेकर रेशम के पुत्रों में पैदा नहीं होते, फटी चादर में खुर्री चारपाई में जन्म लेते हैं। हमारी तकदीर दो वक्त की रुखी रोटी है जो पहिए की तरह हमारे आगे आगे दौड़ती है और हम उसका पीछा करते करते बच्चे से जवान, जवान से बूढ़े हो जाते हैं। बहुत दुख पहुंचाया उसने तुम्हें। अरे विजय आ गया क्या? इतनों से मेरे पास विजय, भगवान ना करे कहीं कोई ऊंच नीच तो नहीं हो गई। हे भगवान, ये क्या हो गया? माँ,
भैया घर में अन्न का दाना भी नहीं है, कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, अब तो लोगों के घर के दरवाजे भी बंद होने लगे हम पर। घबरा मत बहन, सब ठीक हो जाएगा। अरे बाबा, इस ऑफिस में तुम्हारे लिए कोई काम नहीं, और सुनो आइंदा इस ऑफिस में दाखिल मत होना। हाँ, कबाब में हड्डी। भी नहीं है, तू फिक्र मत कर, मैं बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा। आइंदा इस ऑफिस में दाखिल मत होना भैया। आइंदा इस ऑफिस में दाखिल मत होना भी नहीं है। मैं बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा भैया। घर में अन्न का दाना भी नहीं है। आइंदा इस ऑफिस में दाखिल मत होना। मैं बहुत जल्द छुड़ा लाऊंगा। अपनी जिंदगी की पहली गैर कानूनी कमाई आकर ले जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। मैं जानता था कि तुम आओगे, मगर नहीं जानता था कि इतनी जल्दी आओगे। जल्द आए दुरुस्त आए, ये लो तुम्हारी अमानत। इतना बड़ा घर। आज माँ होती तो कितनी खुश होती, कितना अरमान था कि तुम कुछ बन जाओ। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, माँ की इच्छा तो पूरी हुई। पर इतनी सारी दौलत आई कहाँ से? दौलत के देवता को बस में कर लिया है मैंने। हमारा नया दुश्मन ड्रैगन गैंग का सरदार पानी के रास्ते वापस बंबई आ रहा है, अकेला जाओ, टूट पड़ो उस पर। Thank you.
बॉम्बे की पुलिस बहुत चौकन्नी है, इसलिए टॉमी का जहाज बेंगलोर उतरेगा। भास्कर, बेंगलोर से हीरे लाने का काम तुम्हारे सुपुर्द है, और उसके लिए हमें उस गैंग के हर आदमी पर कड़ी नजर रखनी पड़ेगी, और खास तौर पर भास्कर शेट्टी पर। मैं भास्कर बोल रहा हूँ। बोलो, क्या खबर है? किसी तरह पुणे के अड्डे तक पहुंच गया हूँ, मगर यहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है। ठीक है, तुम वहीं ठहरो, मैं खुद वहां आता हूँ। शमशीर जरूर भास्कर को पुणे से निकालने के लिए मदद भेजेगा। जानते हो अब हमें क्या करना चाहिए हीरा? हम साय की तरह शमशीर की निगरानी करेंगे। कोई हमारा पीछा कर रहा है। तेज चलाओ। बस विजय, अब लेफ्ट हैंड लेके गाड़ी रोक लो। Don't move.
हिसाब बराबर हो गया, अब ब्रीफ केस मेरे हवाले कर दो। ओके। का बैग लेके जाओ, मैं संभालता हूं। और उसके साथी वहीं फंसे हैं, पुलिस उनसे निपट लेगी। चलो
मिस्टर रवि, आप इस बारे में बताएंगे कि आप पर हमला क्यों हुआ और गोली क्यों चलाई गई? ये तो गोली चलाने वाला ही बता सकता है। बोलो, क्या कहना चाहते हो? एक दूसरे पर हमला, हर रोज तो शरकत। मैं इस दलदल में इस धीरे धीरे आदी हो जाओगे। फिलहाल तो अपने दिमाग का बोझ कम करने के लिए ये पी लो और जिंदगी को चाहने की कोशिश करो। चाहत नहीं तो यहां तक ला पहुंचाया मुझे। जीवन साथी हो, चाहने वाला हो। अरे छोड़ो पुराने दुखड़े, अब तुम्हें किस चीज की कमी है? आओ रात की रंगीनियों में कुछ और रंग भर दें, प्यार मोहब्बत के नगमे छेड़े दोस्त।
एक बात पूछूं आशा जी, आप हर रोज मुझे यहाँ मिलने आती हैं, क्यों इतनी तकलीफ करती हैं आप मेरे लिए? इसमें तकलीफ की क्या बात है? हाँ, मेरे आने से आपको तकलीफ होती है तो ठीक है, आज तो आई गई हूँ, कल से नहीं आऊंगी। नहीं नहीं नहीं, मेरा ये मतलब नहीं था। दरअसल बात यह है कि आपके आने की आस में मैं दिन रात इस अस्पताल में सड़ता रहता हूँ। जब आप चली जाती हैं, यू नो व्हेन यू गो अवे, आपके आने की रात देखता रहता हूँ। वो क्या है कि मैन वाज मेड बाय गॉड एंड देन गॉड थॉट ही अलोन इन दिस वर्ल्ड विदाउट अ वुमन वुड बी यूज़लेस, सो ही मेड अ वुमन एंड देन मैन एंड वुमन फेल इन लव एंड आफ्टर 9 मंथ्स ऑफ द मैरिज दे गॉट अ लव बेबी एंड बहुत बातें बनाने लगे हैं आप। वो क्या है कि जब दिल में कोई जगह बना लेता है तो आदमी खुद ब खुद बातें बनाने लगता है, ही स्टार्ट टॉकिंग अ लॉट। बहुत ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, अब आप चुपके से बिस्तर पर लेट जाइए और आराम कीजिए, आपकी सेहत के लिए यही बेहतर है। अरे मियां, यूं ही करते करते तो चक्कर चल जाता है, जैसे हमारा चल गया। तुम्हारा क्यों, क्या मतलब, क्या हमारा चक्कर नहीं चल सकता, क्या हम आदमी नहीं है? वैसे लगता तो नहीं हो, कोई अच्छी लड़की पास नहीं फटकेगी। मियां, लड़की तो बहुत अच्छी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत पैसे वाली है। मेरी शादी होगी, पैसा आएगा, फिल्म बनेगी, तहलका मचा देने वाली। लेकिन मियां, वो रहती बहुत दूर है और वहां जाने के लिए मेरे पास किराए के पैसे भी नहीं, बहुत कड़की चल रही है। पैसे जितने चाहिए मिल जाएंगे। वैसे लड़की है कहां? मियां, काठमांडू में रहती है। हाँ, तुम्हारी वो पुरानी महबूबा भी तो वहीं रहती है आजकल। अरे बड़ा लंबा हाथ मारा, किसकी बात कर रहे हो तुम? अरे कामिनी, काठमांडू के बहुत बड़े हीरो के सौदागर के साथ शादी कर ली उसने। ठीक है, तुम जाओ, लेकिन जल्दी लौट आना, हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा। सोनिया, तुम लोग इसके पीछे जाओ, इस पर कड़ी नजर रखना और इसकी हर हरकत की खबर हमें देते रहना। मैनेजर साहब। जी श्रीमान जी, मेरा नाम मंसूर खान है। हम आपके होटल में रहने आए हैं। जी श्रीमान। हम एक पार्टी देना चाहते हैं, हमें पैसों की परवाह नहीं। जी श्रीमान। लेकिन इस पार्टी में शहर का हर मालदार हीरो का व्यापारी आना चाहिए। जी श्रीमान। और हाँ, इस पार्टी में खास तौर पर दिनेश सिंह लोहानी और उनकी धर्मपत्नी कामिनी देवी भी शामिल होना चाहिए। जी श्रीमान। पधारिए श्रीमान दिनेश बहादुर सिंह जी। इस शहर में पहली बार आए और ओ हेलो, और ये है मेरी धर्मपत्नी कामिनी। जी श्रीमान। नमस्कार। अरे साहब, आपके शहर के बिजनेसमैन कुछ अच्छी चीजें तो लाए नहीं। जी श्रीमान। फिर भी मैं उनका दिल तोड़ना नहीं चाहता, जो भी इनके पास आए खरीद लीजिए। जी श्रीमान जी, परंतु ये तो लाखों करोड़ों की बात होगी। अरे भाई, मैं कमाता किस लिए हूँ, खर्च करने के लिए ना, जाइए खरीद लीजिए। आइए श्रीमानो। लगता है बहुत कुछ खरीद लिया है आपने। लेकिन वो नहीं जो आपके पास है, आप तो हीरों के बहुत बड़े पारखी हैं। क्या हीरा चुना है आपने? लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ? देखकर अंदाजा लग जाता है। हाँ, है तो सही, लेकिन बहुत कीमती है। कीमत की परवाह मत कीजिए, दौलत की जाति ने ऐसे ही नायाब और उम्दा चीजें खरीदने का शौक पैदा कर दिया। ठीक है, तो मैं कल ही दिल्ली चला जाता हूँ और हीरा ले आता हूँ। मैं आपके साथ डांस कर सकता हूँ? ओह, आई एम सॉरी, अगर आपकी इजाजत। बिल्कुल, अगर शौक से चलिए। शुक्रिया। शादी नहीं की तुमने? नहीं। क्यों? चाह कर भी भूला जो ना सका तुम्हें। सच? यकीन जानो, तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक किया है मैंने, उसका फल भी मिल चुका है मुझे। प्यार के लिए तरस गई हूँ मैं, कभी अकेले में मिलोगे तो बताऊंगी। कब मिल रही हो? बहुत बेचैनी है। होना ही चाहिए, सदियों से मिला जो नहीं तुम्हें। कल पतिदेव गोश्त और पोस्ट के हीरे को छोड़कर दिल्ली जा रहे हैं कांच का हीरा लाने, फिर दिन भी हमारा और रात भी हमारी। विजय, तुम मुझे कहीं दोबारा भुला तो नहीं दोगे? अगर भुला सकता तो वापस क्यों आता? तुमने बहुत सारी दौलत कमाई है ना? बहुत, मुझे भी नहीं मालूम कितनी। मैं तुम्हें कितना चाहती हूँ मालूम नहीं, तुम मुझे कितना चाहते हो? उतना ही ज्यादा जितनी ज्यादा मैंने
दौलत कमाई है। विजय मुझे माफ कर दो, तुम्हें मैंने बहुत ज्यादा सताया और तुम ऐसे रुट गए, फिर वापस ही नहीं आए। उसके बाद तुम युगांडा चले गए और मजबूरी की हालत में मुझे दिनेश से शादी करनी पड़ी। तुम्हारे पतिदेव को एक दूसरी लड़की के साथ देखा था बॉम्बे में, उसका क्या हुआ? छोड़ो उन्हें, हम अपनी बातें करते हैं। मैं तुम्हारे करीब हूँ, कितनी खुश हूँ। और तुम्हें कुछ शॉपिंग कराने? मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम्हारे सिवा। इस हसीन मौके पर तुम्हें कोई खूबसूरत कीमती तोहफा तो देना ही चाहिए। खूबसूरत है ना? खूबसूरत भी और महंगा भी। अरे ये तो गजब हो गया। क्या हुआ? शायद दिनेश की फ्लाइट कैंसिल हो गई। इससे पहले कि वो हमें रंगे हाथों पकड़े, मुझे घर पहुंचा दो। इसमें कौन सी बड़ी बात है? अभी लो। रेनू, ए रेनू। उफ, रेनू। क्या है भाभी? रेनू तुम जल्दी से मेरे कपड़े पहन लो, तुम्हें एक तमाशा दिखाती हूँ। कैसा तमाशा? तुम पहन तो लो ना बाबा, बड़ा मजा आएगा। कामिनी, तुम वापस आ गए? हाँ। क्यों, प्लेन छोड़ गया? वो बाद में पूछा, पहले ये बताओ विजय के साथ कहाँ गई? मैं? और कौन मैं? लोग सोचेंगे कि हीरे बेचने के लिए अपनी खूबसूरत जवान बीवी को युगांडा के मशहूर बिजनेसमैन के पीछे लगा दिया। अपनी मेरी इज्जत का जरा भी ख्याल नहीं तुम्हें? ये क्या हो गया तुम्हें? गैर आदमी के साथ ये रवैया अच्छा नहीं है। वो मेरा दोस्त नहीं है, पुराना मिलने वाला नहीं है। भरे बाजार में उसके साथ हंस हंस कर बातें करती चली जा रही थी, सिवाय बदनामी के और क्या मिलने वाला है? मालूम नहीं तुम क्या कहे जा रहे हो, मैं तो कहीं गई ही नहीं, तुम्हारे जाने के बाद ही सो गई थी। बनाओ मत मुझे, मैं वो साड़ी पहचानता हूँ जो तुमने पहन रखी थी, मैंने ही तुम्हारी सालगिरह पर दी थी। अच्छा अब समझी। रेनू, रेनू जरा इधर तो आना। तुम? वाह वाह वाह, जिसे मैं बुरी बात समझ रहा था वो तो अच्छी निकली, मगर मेरी आंखें धोखा कैसे खा गईं? साड़ी जो मेरी पहनी थी, और तुम्हें मेरे सिवा कुछ दिखता भी तो नहीं है। मगर इससे विजय कहाँ मिल गया? जी वो, इसमें शर्माने की क्या बात थी, देखते ही भाग खड़ी हुई पगली। भाई से छुपाने की क्या बात है? हाँ, तेरी पसंद मेरी पसंद। ऐसी कोई बात नहीं। तो हो जाएगी बात, कोशिश जारी रख, तेरी खुशियों के लिए मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ। इकलौती बहन है ना तू मेरी, कितनी खूबसूरत लगती है इस साड़ी में, बिल्कुल दुल्हन जैसी, और शर्माती भी दुल्हन जैसी है। अब जा, थक गई होगी, आराम कर। हर बात को शक की नजर से नहीं देखना चाहिए। मौसम की खराबी की वजह से पतिदेव दिल्ली नहीं जा सके। आओ। इतनी रात गए, यहाँ कैसे आ गई? पतिदेव को नींद की गोलियां खिलाकर, वरना छोड़ते बेला, निचोड़ डाला है कमबख्त ने, और सारी दौलत भी अपनी बहन के नाम कर दी है। हेलो, कौन बात कर रहा है? आप में से दिनेश को फोन दीजिए, वो सो रहे हैं। उनसे कहिए उनकी पत्नी नशे में चूर मेरा बिस्तर गरम कर रही है, फौरन उठ जाएंगे और भागे भागे मेरे पास चले आएंगे। हमने अपने कमरे के दरवाजे उनके लिए खोल रखे हैं। एक मामूली मकान में रहते हो, तुम बसों में घूमते फिरते हो, और तुम अपने हाथों से घर का काम खुद करते हो। तुम काम की तलाश में अपना इकलौता सूट पहने इकलौते जूते को घिसते फिरते हो। नाउ गेट आउट।
तुम यहां कैसे आई? तुम्हें शर्म नहीं आती ऐसी नीच और जलील हरकतें करते हुए? इससे भी ज्यादा नीच और जलील हरकतें मेरे साथ की गई हैं। किसी ने परवाह की मेरी? आज मेरे पास बहुत दौलत है रेनू, तुमसे भी हिसाब चुकाना है, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त तो मुझे कामिनी से बदला लेना है। क्या मिलेगा तुम्हें? दूसरों को जलील करके, बदनाम करके, एक बसा बसाया घर उजाड़ के। मेरे दिल की आंख ठंडी होगी जो मुझे कब से जला रही है। मेरे दिल की जलन कम होगी, ना जाने मुझे कब से रुला रही है। कितना तड़पा हूं मैं प्यार पाने के लिए, मोहब्बत हासिल करने के लिए। तुम्हें ये पवित्र शब्द जबान पर भी नहीं लाना चाहिए, गंदा लगता है तुम्हारे मुंह से। मोहब्बत सिर्फ पा लेने का ही नाम नहीं है, त्याग, बलिदान, कुर्बानी, दूसरों के लिए खत्म हो जाने को भी मोहब्बत कहते हैं। क्रोध की आग में अपने आप को और दूसरों को भस्म करने की बजाय दूसरों के लिए कुछ खोना, दूसरों की खुशियों को गले लगाकर खुश रहना सीखो। तुम्हें क्यों हमदर्दी है उस औरत से जिसने उस आदमी को फांस कर शादी की जो कभी तुम्हारा था, और जिस आदमी की दौलत की वजह से तुमने मुझ जैसे गरीब को कबूल नहीं किया? क्या बक रहे हो? कामनी मेरी भाभी है और उसका पति मेरा भाई, जिसने मुझे बच्चों की तरह पाला है। भाभी को बुलाओ, मैं उन्हें साथ लेने आई हूँ, वो मेरे साथ जाएंगे। वो इस वक्त घर जाने की हालत में नहीं है। कामिनी, अगर तुम्हारी भाभी ना होती तुम यहां ना आती, ना जाने मैं क्या कर डालता। लेकिन अब मेरे क्रोध की आग ठंडी हो चुकी है, कामिनी से बदला लेकर मुझे कुछ नहीं मिलेगा। मेरा यकीन जानो रेनू, उसकी हालत ठीक होते ही वो सही सलामत घर पहुंच जाएगी। मैं वादा करता हूं। भाभी, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम रात भर घर से बाहर रही हो। अगर भैया को मालूम हो जाता तो क्या होता? होता क्या, और परवाह भी किसे पड़ी है? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? प्यार की गहराइयों को समझ सकती तो जानती, दिल टूटने की आवाज का दर्द महसूस कर सकती तो जानती। तुम इंसान नहीं, पैसे ढालने की मशीन बनना चाहती हो। तुम्हें पैसों की झनकार के अलावा इंसानी चीखों की आवाज कहां सुनाई देगी? What do you mean? मैं 18वीं सदी की मुर्दा औरत नहीं हूं, मैं 20वीं सदी की आज की दौर की गोश्तपोश की जीती जागती तस्वीर हूं। मैं आजाद हूं कुछ भी करने को, कुछ भी चाहने को, कुछ भी पाने को। अगर यही करना था तो शादी क्यों की मेरे भैया से? जानना चाहती हो? मैंने शादी इसलिए की कि एक घर वाला मिलेगा, घर मिलेगा और घर की सारी दौलत मिलेगी। मैं नहीं जानती थी कि एक दूर के रिश्तेदार इस घर के टुकड़ों पर पली नागिन, इस घर के मालिक पर, इस घर की दौलत पर अपना काला फन फैलाए बैठी है। समझी? तुम मेरे बारे में ऐसे विचार रखती हो, मेरे ध्यान में भी नहीं था। तुम्हें ध्यान रखना चाहिए, तुम इस घर के रहमो करम पर हो। एहसान मानने की बजाय उल्टा हुक्म चलाना चाहती हो। मुफ्त में अच्छा खाने को मिल रहा है, अच्छा पहनने को मिल रहा है। अगर इस घर का सहारा ना होता तो तुम सड़कों पर भीख मांगती फिरती या फिर अपना बदन नोचवाती होती। पति पत्नी के बीच दीवार बनने के बजाय अपनी औकात पहचानो। मेरे पति की दौलत पर नजर गड़ाने के बजाय अपनी हैसियत के अंदर रहना सीखो। भाभी, मैं तुम्हारे और भैया के बीच में नहीं आना चाहती। मुझे ये दौलत जायदाद कुछ नहीं चाहिए, मैं आज ही यहां से चली जाऊंगी। मैंने उसे बच्चों की तरह पाला है। हम बहुत गरीब थे और मुझे अपने लिए दौलत की फिक्र भी नहीं थी। मैंने दिन रात मेहनत करके जो दौलत कमाई है वो सिर्फ रेनू के लिए, उसे अच्छी से अच्छी जिंदगी देने के लिए। आज जो कुछ भी है उसी की वजह से है। मेरी हर चीज रेनू की है, मेरी हर चीज पर उसका हक है।
और मेरा हक? हवस का हक कभी पूरा नहीं होता, वरना तुम्हें कोई कमी तो नहीं? कामिनी, मैं कभी नहीं चाहूंगा कि कोई उस मासूम का दिल तोड़े। मेरे होते हुए उसका दिल दुखा है। अगर ये गलती दोहराई गई तो शायद मैं कोई गलती कर बैठूं। तुम जा रही हो ये घर छोड़कर, मुझे छोड़कर, जिसने तुम्हें अपने जीवन का सहारा माना, अपनी कामयाबी की सीढ़ी समझा। रेनू, हमने अपनी गरीबी की जिंदगी का भारी पत्थर एक साथ ठोया है, अपने साथी, अपने भाई को छोड़कर जा सकोगी? भैया, मैं तुम्हारे और भाभी के बीच गहरी खाई नहीं बनना चाहती। मैं नहीं चाहती तुम्हारी विवाहित जिंदगी में जहर घोलना। मेरा तुम्हारी जिंदगी से चले जाना ही ठीक है, तुम्हारे सुख के लिए। क्या मैं वो सुख बर्दाश्त कर सकूंगा जिसमें मेरी नन्नी मुनी गुड़िया सी बहन न हो, मेरे गरीबी के दिनों का यादगार सहारा न हो? मगर मैं कब तक तुम पर बोझ बनी रहूंगी? पगली, तू तो मेरे जीने का बहाना है। दुनिया में प्यार का रिश्ता सिर्फ सच्चा रिश्ता होता है, सगा सौतेला दूर नजदीक कुछ नहीं होता। मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। कुछ बंधन ऐसे होते हैं जिन्हें जमाना कभी नहीं तोड़ सकता, कभी नहीं। ऐसी कोशिश आइंदा मत करना। रेनु को अब अपना बनाना ही पड़ेगा। मैं जबरदस्त इसके बारे में गलतफहमी में घिरा। गलतफहमी में हमको रुम्बो शेर याद आया। साहब, तुम हमारा दोस्त होता ना, इस वास्ते ये शेर सिर्फ तुमको सुनाता। तो हर साइड पर अच्छा, मोहब्बत रंग लाती है, मोहब्बत रंग लाती है। तशरीफ लाइए, तशरीफ लाइए। माफ कीजिए, नहीं, कुसूर मेरा है, मेरा नहीं, मौसम का है। हवाई जहाज नहीं जा सका और आप पकड़े गए। जी वैसे हीरों की बहुत अच्छी परख है तुम्हें। जी मैं उसी के बारे में। दवाई देने की कोई जरूरत नहीं, ये उम्र है, उमंगों वलवलों के दिन हैं। वो तुम्हें पसंद करती है, तुम उसे पसंद करते हो। हाथ मिलाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जी मैं यहाँ से गुजर रहा था कि दिल इधर खींच लाया। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा ही होता है, मेरे साथ भी यही हुआ था। अभी तो क्या, आगे आगे देखना बच्चू, खाना पीना भी भूल जाओगे। अरे यार, खड़े क्यों, बैठो। जी रहने दीजिए, अब मैं चलता हूँ। अब आए हो तो मिलकर ही जाओ, बहुत अच्छी लड़की है। जितना उसे मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। खुश रखेगी तुम्हें, जिंदगी भर कोई शिकायत नहीं होगी। ऐसे मत देखो मेरे भाई, मुझे तुम्हारे मिलने जुलने पर कोई एतराज नहीं। बैठो, बुला कर लाता हूं। आ गई आपकी रेनु कुमारी, अब शर्माना खत्म। मगर भैया, देखो भाई, ज्यादा नखरा किया तो दोनों का मिलना जुलना बंद कर दूंगा, बिल्कुल पाबंदी लगा दूंगा। धमकी अच्छी रही ना? जी जी हाँ। अब दिल की बात कह दो, क्या प्रोग्राम था तुम दोनों का? भैया बिल्कुल कोई प्रोग्राम नहीं था। भाई मैं तुमसे नहीं पूछ रहा। हाँ विजय, साफ साफ बोलो। जी सिनेमा जाने का प्रोग्राम था। बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कामिनी, कामिनी क्या है? तुमने इन्हें पहचाना? अरे भाई वही हैं जिनकी वजह से गलतफहमी हुई थी। वो किस्सा फिर कभी सुनाऊंगा, अच्छा खासा लतीफा है। रेनू बाहर जा रही है। भैया मुझे नहीं जाना है। तुम्हें नहीं जाना है, मैं भेज रहा हूँ, जबरदस्ती भेज रहा हूँ। बस सब खुश। गाड़ी रोकिए और मुझे जाने दीजिए। जाने कैसे दो साहब, आपके भाई साहब ने इजाजत दी है, घूमेंगे फिरेंगे और क्या मालूम हो जाएगा, इतनी भी जल्दी क्या? आप कोई अच्छी सी रोमांटिक जगह बताइए, जरा दिल बहलाएंगे। आप बहुत बेशर्म इंसान हैं। पहले एक शादीशुदा औरत से फ्लर्ट करते रहे और अब हाथ धोकर एक शरीफ लड़की के पीछे पड़े हैं।
बढ़ना ही चाहिए, आप इतनी खूबसूरत जो हैं। आप भी तो खूबसूरत हैं। वो तो हूँ। और स्मार्ट भी हैं। वो भी हूँ। दौलत की कुछ कमी नहीं? नहीं। हजारों खूबसूरत अच्छी सीधी सादी लड़कियाँ मिल सकती हैं। किसी एक को पसंद करके उसके क्यों नहीं हो जाते? चलिए आपका कहा मान लिया, हजारों खूबसूरत लड़कियों में से मैंने आपको पसंद कर लिया। आइए गले लग जाइए। गाड़ी रोकिए वरना मैं। रेनू, रेनू। अरे सुनो तो, रेनू। I'm sorry. चले मियाँ खुश रहो, हम दुआ कर चले। क्या मतलब? गए हमारा हाथ से गए नौकरी। मैं तुम्हें फिर से नौकरी दिलवा सकता हूँ, तुम अपने कपड़े उतारो। कपड़े उतारो, अरे नहीं, अरे नहीं, हमारे कपड़े उतारो, अरे स्वामी आई आई ओ ये आदमी आगे शैतान। हाँ हाँ बिल्कुल, आपका ऑर्डर मिल जाएगा। बाय। ये क्या हालत बना रखी है तुमने? ये सब मोहब्बत का करिश्मा है सर, मोहब्बत में भी कभी कभी ऐसी हालत पाई जाती है, लेकिन मैं आपसे शिकायत करने नहीं आया हूं सर, माफी मांगने आया। माफी मुझसे? क्यों? आपसे नहीं सर, रेनू से। तुम दोनों में झगड़ा हो गया क्या? जरा सी बात पर। कि हनीमून कहाँ मनाएंगे? हनीमून? अरे हनीमून तो बाद की बात है, पहले शादी तो होने दो। नहीं, शादी के लिए उन्हें कोई एतराज नहीं है, बस हनीमून। वो कहती थी हनीमून हम लोग हांगकांग में मनाएंगे, और मैंने कहा हम लोग पेरिस चलेंगे। इतनी सी बात पर मारपीट हो गई? बस सर यूं समझिए, दरवाजा खुला हुआ था और मैंने जूते पहने हुए नहीं थे। मतलब यूं कहिए सर, अगर मैं भाग खड़ा ना होता ना सर, इतनी गुस्से में थी कि मेरी जान ले लेती थी कि मेरी आधी जान चली गई। रेनो, रेनो, जी आए। इधर आओ। क्या है भाई? देखो इसने क्या हालत बना रखी है। ये तुम्हारी बात नहीं मानेगा तो क्या इसकी जान ले लोगी तुम? मैं तो समझता था तुम बड़े ठंडे स्वभाव की लड़की हो, यहां तो उल्टा ही निकला। सर मैंने तो समझौता करने की बहुत कोशिश की, 15 दिन पेरिस में, 15 दिन हांगकांग में। हाँ हाँ, इसमें क्या खराबी है, दोनों जगह की सैर हो जाती। मगर ये सब झूठ है भैया। नहीं, नहीं, इसकी कोई बात मत सुनिएगा, इसके दिल में कोई बात होती है, जबान पे कोई और बात। चुप हो जाओ, बहुत बोलते हो। सर मेरा कसूर नहीं मेरे पेट का है सर। हा? मेरा मतलब भूखा पेट कुछ ज्यादा ही बोलता है, जब से इसने मेरी पिटाई की कुछ भी खाया नहीं। हाँ हाँ खाना भी मिल जाएगा, पहले तुम अपनी हालत ठीक कर लो। जाओ इसके साथ, और अब इसके साथ लड़ना नहीं। ये सब काम शादी के बाद के होते हैं। भैया सुनो, मैंने सब सुन लिया, समझ लिया। जाओ। मगर भैया। जाओ इसके साथ, मैं कह रहा हूँ जाओ। भैया। ओ खामिनी, देखा
मोहब्बत में लड़का लड़की कितना तमाशा करते हैं। ये अच्छा नहीं किया तुमने, रेनू को उसके साथ भेज क्यों दिया? दोनों प्यार करते हैं इसलिए। तुम रेनू को बहुत ज्यादा छूट दे रहे हो। मोहब्बत के पौधे इसी आबो हवा में फलते फूलते हैं। क्या जिस्म है और तेरी जुल्फ क्या है कि रात के लंबे साए हैं, तू जो सर मुड़वा दे तो सवेरा हो जाए। ना क्या हो गया विजय? अरे ये तो आंटी वाली लड़की। विजय मैं लुट गया, बर्बाद हो गया, दौलतमंद लड़की के दौलतमंद बाप ने मुझे ठुकरा दिया। यह दास्तान यानी कहानी मैं बाद में सुनाता हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है, पहले कुछ खा लेते हैं। देखिए आपको गलतफहमी हुई है, मैं वो नहीं, मैं राम नहीं श्याम हूँ, हम शक्ल। अरे मजाक मत कर यार, मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी तो इधर भी है, निपटने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा रास्ता छोड़ेंगे? कसूर तुम्हारा नहीं है, गरीबी है ही पूरी बीमारी। दोस्त अहबाब कहाँ तक साथ देंगे? सुनो जी, ये पर्स उन साहब को दे देना, उनका जी क्या है। सर ये आपका पर्स गिर गया था, उन साहब ने भेजा है। मेरा? कुछ खाने के लिए लाओ, दाल लाओ, चावल लाओ, कुछ भी लाओ, जल्दी से, भूख लगी है। ये एक्टिंग, ये दिखावा, मुझ पर असर नहीं होगा। अच्छा, तुम्हारा मतलब मैंने जो कुछ भी किया वो नाटक था, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। मैंने कलीम की जो मदद की वो तुम्हें प्रभावित करने के लिए की थी। उस गरीब का मजाक उड़ाया, अपनी असलियत छुपाई, कलीम को पहचानने से इनकार कर दिया। अरे वो मेरे पीछे पड़ जाता, और ये हसीन लम्हे मैं तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। तुम उसे बनाओ जो तुम्हें जानता ना हो, पहचानता ना हो। तुम किसी एक के होकर नहीं रह सकते, तुम्हें अपनी जिस्मानी भूख मिटाने के लिए हर रोज एक नया जिस्म चाहिए। अचानक दौलतमंद बन जाने का यही अंजाम होता है। तुम प्यार के नाम पर एक धोखा हो, मोहब्बत के नाम पर एक कलंक हो, एक कलंक। तुम्हारे जैसे लोग हमारे समाज पर एक बदनुमा दाग है। बस करो रेनू, तुमने बहुत इल्जाम लगा लिए, ये मेरी बदनसीबी है, पहली बार तुम्हें पाने में नाकाम रहा, इस बार जब किस्मत ने मिलाया तो तुम अपनी भाभी की वजह से मुझसे बदजन हो गई। रेनू मैं बहुत गरीब था, ये समझ लो एक मेहनत कश तबके का मामूली इंसान, रोज कुआं खोदना, रोज पानी पीना, एक आम हिंदुस्तानी नौजवान की तरह मेरी भी ख्वाहिश थी कोई अपना साथी होता जिसकी बाहों में हम बहकते, मगर हालात से लड़ने में यहां तक आ पहुंचा। मैं शायद यहां ना होता चाहा हूं अगर कामिनी मुझे जलील ना करती, मेरी गरीबी का मजाक ना उड़ाती, मेरी माँ इस तरह ना मरती, गुर्बत की परेशानियां, जिल्लत, रुसवाई। मैंने दौलत कमाने का फैसला किया और कामिनी से इंतकाम लेने यहां तक का पहुंचा। यह है वो मंगलसूत्र जिसे मेरी मां अपनी होने वाली बहू को पहनाना चाहती थी, उनकी तमन्ना पूरी करने की आरज़ू में तुम तक आना चाहा। अगर प्यार की चाहत गुनाह है, किसी को अपना बनाना गुनाह है, तो मैं गुनहगार हूं, दोषी हूं, पापी हूं रेनू। मैं तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊंगा, अपनी शक्ल तुम्हें कभी नहीं दिखाऊंगा, और दिनेश भैया से कह देना मोहब्बत हमेशा रंग नहीं लाती, प्यार की मंजिल
हर किसी की किस्मत में नहीं होती।
छोड़कर अब तुम रेनू के पीछे पड़ गए हो? उसमें क्या है जो मुझ में नहीं है? उसके पास सब कुछ है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं। और तुम्हारा दिल वहां प्यार मोहब्बत शराफत का गुजर नहीं हो सकता। दौलत की हवस ने उसे काला कर दिया है। और सबसे बड़ी अहम बात तो यह है कि वो एक ना तजुर्बेकार भोली भाली मासूम लड़की है और तुम एक तजुर्बेकार गिरी हुई औरत हो। विजय, ये तुम क्या कह रहे हो? तुम्हारे लिए तो मैं अपने दौलतमंद पति को भी छोड़ने को तैयार हूं। मैंने तुम्हें चाहा है, तुम्हें प्यार किया है। विजय, तुम किसी से प्यार नहीं कर सकती। तुम्हें प्यार है तो सिर्फ दौलत से। कल कोई बड़ा बकरा मिल जाए तुम उसी के पीछे लपक पड़ोगी। अब ऐसा नहीं होगा विजय, मैं वादा करती हूँ, मेरा यकीन करो। विजय, ये चालें पुरानी हो चुकी हैं मैडम, अब मुझे अकल आ चुकी है और आज के बाद यहाँ आने की हिम्मत भी नहीं करना। ओ भैया, कैसी है मेरी बहन? आशा मुझे की बहन। क्या देख रहे हो? आया यो, क्या देखता? बना के फकीरों का हम बेस है गालिब। आहा, क्या बोला गालिब? तमाशा है एले करम देखता जी, और कुछ नहीं देखता। क्या बक रहे हो? आया यो, हमको बकरा बोला जे। अम्मा लग जा गले ताब, अब ए नाजनी नहीं, ए ए खुदा के वास्ते मत कर। नहीं नहीं, इस बकवास का मतलब क्या है आखिर? आई आई ओ मतलब, हा 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 हा, तमन्ना को जिंदा, आरजुओं को जवा कर लूं। ये शर्मीली नजर कह दे तो कुछ गुस्ताखिया कर लूं। कितने बदतमीज बहरे हो, अभी भैया से कह के मैं छुट्टी करवा दूँ। इन्हें सांप रहे, इन्हें पोन, इन्हें आने, इन्हें पलने, इन्हें आंडर बने, इन्हें पोन, इन्हें पोन, इन्हें पो। क्या मतलब? मतलब हाँ, मतलब ये प्रेम पत्र। एक आदमी रवि नाम का हमको दे के गया कि हम तुमको दे, हमें काम करता, हम तुमको नहीं देता, हम तुम्हारा भैया को देता। नहीं, नहीं। अरे आशा सुनो तो। आशा, टाइम क्या हुआ है? 16:70। जानते हो इंतजार करना कितना मुश्किल काम है? जानता हूँ। जानते हो भी देर से आने में शर्म नहीं आती? क्या करूँ, घर से जल्दी निकल सकते थे। अरे घर से तो जल्दी निकला, लेकिन रास्ते में मेरे मगर क्या, रास्ते में मिल गई होगी कोई लड़की, तुम तो ही नदी दे, मुझे भी तो देखते ही डोरे डालने शुरू कर दिए। क्या करूँ डार्लिंग, मैं जाती हूँ। अरे आशा, अरे आशा सुनो तो। आशा, हेलो डार्लिंग, माय लव। अरे तू इधर भी टपक पड़ी, जिधर देखो टपक पड़ती है। अरे आशा,
एक मिनट वो देखो, आशा आशा मेरी बात तो सुनो आशा, आशा देखो आशा, मेरी मोहब्बत को सरे बाजार रुसवा मत करो। मोहब्बत की ज्योग्राफिया जानते भी हो? ज्योग्राफिया मोहब्बत यानी कि लव। Love, according to Williams, is a combination of mind, body and soul. No man alone in this world can live without the combination of mind, body and soul. And if he tries to live without the combination of mind, body and soul, he shall be destroyed. Because when mind runs, soul can't catch it. When body runs, soul can catch it. But when soul runs, mind and body cannot catch it because soul is Atma and Atma is Paramatma. Is Desh ke andar Atma Paramatma sirf ek aurat la sakti hai, yani ke female. Aur uske liye mujhe aapki zarurat hai, aapke tan, man, dhan, aapke pyar ki zarurat hai. And I love you. Bas, ye lecture baazi jaake us chudel ko pilao. Meri aankhon mein jhaank kar dekho. क्या तुमको इनमें सिर्फ तुम ही तुम नजर नहीं आ रहे? सिर्फ तुम्हारा प्यार नजर नहीं आ रहा? और हां, अगर तुम्हें इनमें हकीकत नजर नहीं आ रही है तो ठीक है, आज मोहब्बत का भ्रम टूट गया और जा, मैं तुझसे हमेशा हमेशा के लिए रूठ गया। पगली। अच्छा रवि बोलो, विजय के बारे में बताने से मुझे क्या मिलेगा? जो तुम कहोगी। सच? बिल्कुल सच। विजय आ रहा है, मैं चलता हूँ। ओके बाय बाय। जल गए? नहीं, मुझे तो खुशी हुई क्योंकि ये आदमी भी उसी खेत की मूली है जहां तुम पैदा हुई थी। भाई साहब। हाँ हाँ विजय, यही वो हीरा है। बताओ कब ले जा रहे हो इसे? जब आप इजाजत दें। वो हीरा तो बगैर कहे तुम्हारा हो गया। मैं तो इस हीरे की बात कर रहा हूं। विजय तुम ये हीरा ले जाओ, मेरा मतलब ये दिल्ली वाला हीरा। मेरे सर पर से एक बोझ उतर जाएगा। कोई उल्टी सीधी बात हो गई तो मैं फिर से फुटपाथ पर आ जाऊंगा। भाई साहब ये दिल्ली का हीरा आप अपने पास ही रखिए, मैं कुछ दिनों बाद ले जाऊंगा। मगर इसे घर में रखना तो मुनासिब नहीं। ऐसा करते हैं, इसे फैक्ट्री के तिजोरी में रख देते हैं, वहां ये महफूज रहेगा। हाँ एक बात और है विजय। क्या? मैं एक पार्टी देना चाहता हूं। हाँ लो वो आ गया। हेलो रवि। हेलो, दिस इज रवि कुमार, ये विजय कुमार। हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। वाओ एक्सक्यूज मी, ये आपके? नहीं नहीं, ये हमारी होने वाली भाभी के लिए। एक्सक्यूज मी। क्यों, क्या ख्याल है, लड़का कैसा है? हाँ इससे पहले भी इन्हें इधर उधर देख चुका हूँ, बहुत अच्छे आदमी लगते हैं। मतलब आशा की पसंद बुरी नहीं है? मुझे तुम्हारा रवि का साथ पसंद नहीं। ये क्या विजय, भरी महफिल में ये हरकत अच्छी नहीं। मैं शहर के मशहूर बाइज्जत लोगों को बुला चुका हूं, दोनों की मंगनी की दावत दे चुका हूं। आपको मुझसे पूछे बिना ऐसा कदम नहीं उठाना चाहिए था। ठीक है, गलती मेरी थी, तुम्हें अपने नजदीक समझ बैठा था। तुम गुस्से और जिद में बहक कर जा रहे हो, तो सुनो आज के बाद तुम्हारा और मेरा कोई वास्ता नहीं। आ
आज मैंने जो कुछ भी किया आशा तुम्हारी भलाई के लिए, और मैंने जो कुछ भी किया है तुम दोनों की भलाई के लिए। लेकिन विजय तुम मुझसे ही चाल चल गए, दिल्ली से हीरा मंगाकर अकेले ही हजम कर लेना चाहते हो। मुझसे छुट्टी लेकर यहां आने का बहाना खूब रहा। यू बास्टर्ड, मुझे मालूम है कि तुम जाबाज हो, लेकिन ये बेहुदा होशियारी दिखाने से पहले एक नजर पीछे भी देख लो। भैया ये सब क्या है? ये सब मेरी शमशीर चट्टोपाध्याय की मेहरबानियों का नतीजा है। तुम लोगों के पास इतनी दौलत ऐसे ही नहीं आ गई। तुम्हारे भैया मेरे गैंग में काम करते हैं। भैया मुझे तुम पर नाज था, लेकिन मैं नहीं जानती थी दौलत की ताकत तुम्हें इतना नीचे गिरा देगी। कितने अरमान से राखी बांधने शिमला से दौड़ी दौड़ी तुम्हारे पास आई कि कल रक्षाबंधन है। इस पाप की कमाई से तो वो 2 रुपए ज्यादा अच्छे थे भैया, वो 2 रुपए ज्यादा अच्छे थे। इतनी परेशानी में घिर गया ताशा, दुनिया ने मुझे जलील किया, ठोकरें मारी, सहन नहीं कर सका और इस नरक में गिर पड़ा। लेकिन फिर भी हमें जिंदगी से कुछ नहीं मिला। मेहनत करूंगा, मजदूरी करूंगा, फिर से भूखा रहूंगा। हम कहीं और जाकर बस जाएंगे, वादा करता हूं आशा, हमेशा हमेशा के लिए मैं ये धंधा छोड़ दूंगा। फैसला करना हमारा काम है, ये हक हम किसी को नहीं देते। गद्दारी करने वाले को हम तबाह कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। हां, अगर वो हीरा लाकर हमें दे दो तो शायद हम तुम्हें अपने चंगुल से आजाद कर दें। वो हीरा तुम्हें नहीं मिल सकता। आशा हमारे पास रहेगी। अगर तुम अपनी बहन की जिंदगी चाहते हो तो कल सुबह वो हीरा लेकर हमारे पास चले आओ। मिलजुलकर काम करना हमारे हक में अच्छा होगा। आज से ये स्कॉर्पियो और ये वल्चर एक साथ मिलकर काम करेंगे। यहां इस शहर में एक बहुत ही कीमती और नायाब हीरा आया हुआ है। विजय को यह हीरा किसी भी हालत में चुराकर मुझ तक पहुंचाना है। विजय के लिए यह काम कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। Then what's the problem? वो हीरा अगर मुझे विजय के जरिए मिलता है तो मुझे उसके साथ किया हुआ वादा निभाना पड़ेगा, और वो मैं करना नहीं चाहता। लेकिन क्यों? कुछ अरसा पहले विजय ने हमारे ग्रुप के साथ गद्दारी करने की कोशिश की थी। वो छुट्टी लेकर आराम करने के बहाने यहां आया और अपनी चालाकी से हीरा हासिल करके खुद हड़प कर जाना चाहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि वो हीरा मुझ तक तुम्हारे जरिए पहुंचे, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा मिल जाएगा। तुम विजय के पीछे लग जाओ और जैसे ही वो हीरा लेकर निकले वो हीरा उससे छीन लो और उसे हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दो।
विजय, हीरा मेरे हवाले कर दो वरना मैं गोली से उड़ा दूंगी। दिनेश, दिनेश मार डालो इसे, ये चोरी करने आया था, तुमको बर्बाद करने आया और था। तुम कौन सा मुझे आबाद करने आई थी? तुम मुझे गलत समझ रहे हो। हमेशा हीरों का व्यापार किया है, हीरे और पत्थर की परख है मुझे। मैंने तुम्हें कितने मौके दिए लेकिन दौलत की हवस से तुम अपना पीछा नहीं छुड़ा सकी। तुम इतना गिर चुकी हो कि आज चाबी लेकर अपने ही घर में चोरी करने आई। निकल जाओ, दूर हो जा मेरी नजरों से। मेरे दिमाग पर जुनून सवार है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। गेट आउट ऑफ हियर, गेट आउट। लेकिन बड़े से बड़ा व्यापारी भी कहीं ना कहीं धोखा खा जाता है। तुम्हें न पहचान सका। आपको धोखा देने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जिस तरह से हीरा ले जा रहा था उसी तरह जान पर खेलकर भी शमशीर से हीरा वापस ले आता। बस एक बार मेरी बहन आशा उसके हाथों से बच निकलती। आशा? जी, शमशीर के कब्जे में है, यह हीरा उसकी जिंदगी बचा सकता है। मगर अब तो खेल खत्म हो गया। अब आप चाहे मुझे पुलिस में दे दें या गोली से उड़ा दें। अपनी एक बहन की जिंदगी बचाने के लिए अगर तुम अपनी जिंदगी दांव पर लगा सकते हो तो दो बहनों की जिंदगी बचाने के लिए मैं अपनी दौलत की कुर्बानी तो दे ही सकता हूं। नहीं, जाओ, आशा को वापस लेकर आओ। हीरे की परवाह मत करना। कहीं का पता नहीं कहां से आ जाते हैं हम। के बेहुदा, लेकिन आप पार्टनर के बगैर मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकती। मैनेजर साहब, पार्टनर आपकी आंखों के सामने खड़ा है। अब आखिरी उम्मीदवार एक ऐसी हस्ती है जो कभी बंबई की मशहूर डांसर रह चुकी हैं, और वो है कामिनी देवी, और उनका साथ देंगे मिस्टर रवि। कामिनी देवी से मुकाबला जीतना बहुत ही दुश्वार है, फिर भी कोई मुकाबले पर आना चाहे तो शौक से आ सकता है। तुम्हारी वजह से मैं प्रोग्राम में आ गई वरना मैं नहीं आती, सच कह रही हूँ। हाँ रेनू, ये मुंह मोड़ने का वक्त नहीं है। मैं चारों तरफ से घिर चुका हूँ, मुझे किसी पे भरोसा नहीं, मुझे तुम्हारा साथ चाहिए। प्लीज
एक्सक्यूज मी। ऑल द बेस्ट यू। बिग क्लैप्स। ये विजय को होगा। अगर जिंदगी की सलामती चाहती हो तो चुपचाप मेरे साथ चलो। कम ऑन फास्ट। चल भाई, नया रूप धारण कर ले। वो हीरा मुझे चाहिए। वो हीरा? हाँ। मैं तुम्हें नहीं दे सकता। Hold on, stop it. हाँ हाँ, आज पुलिस कानून सब मेरे खिलाफ खड़े हो गए। कहाँ थे आप लोग जब मैं भूखा था, दर बदर भटक रहा था, खाने को रोटी नहीं थी, बहन का बदन ढकने को कपड़े नहीं थे। विजय, मजबूरियां परेशानियां सिर्फ तुम्हारे सामने नहीं, दुनिया के अनगिनत लोगों के सामने आती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि आदमी गलत रास्ते पर चल निकले या समाज के दुश्मनों के हाथों की कठपुतली बन जाए। हमें तो ऐसे लोगों को खत्म कर देना चाहिए जो समाज के दबे हुए कुचले हुए तबके के लोगों का नाजायज फायदा उठाते हैं। इस वक्त कानून एक मजबूर बेसहारा इंसान को सजा तो दे सकता है, लेकिन मेरी बहन आशा को बचा नहीं सकता साहब। विजय, ये तुम क्या कर रहे हो? हाँ, वो कीमती हीरा ही उसकी जान बचा सकता है, पर वो बदमाशों के कब्जे में है। विजय, अगर आशा तुम्हारी बहन है तो वो मेरी जिंदगी है। उसको बचाना मेरे प्यार की पुकारे नहीं, बल्कि मेरा फर्ज है, मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी? हाँ विजय, मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ और यह है मेरा आइडेंटिटी कार्ड। तुम्हारे सरदार तक पहुंचने के लिए कभी मैं एक गैंग का लीडर बन गया, कभी वेटर बन गया और तुम्हारा पीछा करने लगा, और तुम हमेशा मुझे गलत समझते रहे। विजय, अगर तुम हमारा साथ दो तो आशा को बचाने के साथ साथ हम तुम्हारे सरदार तक भी पहुंच सकते हैं। हीरे की बजाय इस कांच के टुकड़े को उठा लाए। मगर इस चमकदार कांच से भी फायदा हो सकता है। सोनिया, इस औरत के दौलतमंद शौहर को फोन कर दो कि आज रात ठीक 12 बजे 10 लाख रुपया लेकर वृंदावन पॉइंट पे पहुंच जाए। वो बदमाश 10 लाख रुपए मांगते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर उन तक पहुंचाना है। इतनी रात मुझे लोगों से उधार लेकर जमा करना पड़ेगा। तुम भाभी के बारे में सब कुछ जानने के बाद भी उसे बचाने के लिए खतरा मोल लोगे और पैसे लेकर जाओगे उसे छुड़ाने? उसे जो करना था उसने किया, जो मेरा फर्ज है मुझे करना चाहिए। मैं तुझसे कितनी बार कह चुकी हूँ, मेरा पति नहीं आएगा, मेरा पति नहीं आएगा, मुझे जान से मार डालो। मुझसे ये इंतजार की बेचैनी अब और बर्दाश्त नहीं होती। मुझे जान से मार डालो, मुझे खत्म कर डालो। मेरा पति नहीं आएगा, मेरा पति नहीं आएगा। वो आ रहा है। Thank you.
इसका हिस्सा दे दो इसे। अगर कहीं जाना है तो छोड़ दूं? आप मुझे बहुत चाहते हैं ना? चाहना? मैंने तुम्हें अपनी जिंदगी समझा, न जाने कहां गलती कर बैठा। मैं तो माफी मांगने लायक ही नहीं रही, अगर कभी हो सके तो मुझे माफ कर देना। विजय और आशा की जिंदगी खतरे में है, असली हीरा तो मेरे पास है। Oh my God, वो लोग यहां से अड्डे पर ही गए होंगे। अगर हम कोशिश करें तो सुबह तक वहां पहुंच सकते हैं। विजय और आशा की जान बचाने का यही एक रास्ता है। चलो चलो। नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे। हीरा कहां है? मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? नहीं मालूम ना? तुम बताओगे, जरूर बताओगे। कपड़े उतार।
असली हीरा मेरे पास है। अगर तुम लोगों की ये कोई नई चाल हुई तो तुम्हारी लाशें इस काबिल भी नहीं रहेंगी कि चील कौवे खा सके। ये कोई चाल नहीं है, हीरा ले लो और हमें जाने दो। ठीक है, लाओ हीरा मुझे दो। वाह, तुम क्या सोचते हो कि जिंदा चले जाओगे? हमारे बारे में सब कुछ जान लो और हमें छोड़कर चले जाओ। वाह 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 मिस्टर, हमारे गिरोह को छोड़ने की ख्वाब की ताबीर बहुत भयानक होती है, समझे? खूबसूरत जवान लड़कियों के दिल को बहुत ठेस नहीं पहुंचानी चाहिए। हाँ ले जाओ इसे। लड़कियों के लिए तुमने हमारा गैंग छोड़ा, वो अब हमारे साथ रहेंगी, हमारे और हमारे गैंग के काम आएंगी। गुड बाय। चलो भेड़ बकरियों, चलो।
को हमसे कोई नहीं बचा सकता।